किसान साथियों, आप सबको पता है कि आजकल मैं टूर पर हूँ और किसानों से और वैज्ञानिकों से मिलने का कार्यक्रम है। आज मैं आया हूँ अहमदाबाद में मेघधनुष बायो फर्टिलाइज़र कंपनी पर। मेरे कुछ प्रश्न हैं और उनका उत्तर जानने के लिए आज मैं आपको मिल रहा हूँ एक चिर परिचित नाम से, तुषार भाई पटेल। और मैंने ये कोशिश की है, पहले एक दो घंटे से मैं इनसे यही चर्चा कर रहा हूँ कि किस तरह से गुड़ जो रासायनिक शब्द हैं उनको हम किसानों को आसानी से बता सकें और उनकी बागवानी में कुछ मदद कर सकें। किसान साथियों, आप सबका हार्दिक स्वागत है अमेजिंग किसान के यूट्यूब चैनल में। मैं हूँ डॉक्टर अनिल कुमार त्यागी। आइए हम स्वागत करते हैं तुषार भाई पटेल। तुषार भाई, आप अपना परिचय दीजिए पहले। मेरा नाम तुषार पटेल है, मैं अहमदाबाद गुजरात से बिलोंग करता हूँ। मेरा स्पेसिफिकेशन माइक्रोबायोलॉजी सब्जेक्ट से हुआ है, मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन भी माइक्रोबायोलॉजी से किया हुआ है। और मेघधनुष बायो फर्टिलाइजर के नाम से हमारा यूनिट है जिसमें हम बायो फर्टिलाइजर और कुछ दवाइयाँ वाटर सोल्यूबल इनका प्रोडक्शन और मार्केटिंग। किसान साथियों, आज मैं आपको एक ऐसा विषय बता रहा हूँ कि थोड़ा सा ध्यान से सुनिए इस चीज़ को। हमारा पौधे होते हैं, उन पौधों को हमें कुछ भोजन चाहिए होता है। यहाँ पर ये बात आपको ध्यान रखनी है कि हम व्यावसायिक बागवानी कर रहे हैं, यानी हमारा उत्पादन इतना होना चाहिए कि हमें उससे फ़ायदा हो। उसके लिए जो पौधों का मुख्य भोजन है उसमें तीन मुख्य तत्व होते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। इसके साथ एक शब्द और इस्तेमाल करते हैं कि कार्बन कितना है हमारे पौधों में। इसके अलावा हमारे पास होते हैं 8 माइक्रोन्यूट्रेंट जिन्हें हम सूक्ष्म तत्व कहते हैं। तो आपने सुना होगा कि कुछ जीवाणु होते हैं, मित्र जीवाणु होते हैं हमारी ज़मीन में, वो जीवाणु इन मुख्य तत्वों को पौधे को उपलब्ध कराते हैं। इस चीज़ को समझने के लिए मैं आज तुषार भाई से कुछ प्रश्न करूँगा। क्या जितने मोदे पौधे को चाहिए वो हमारी केवल ज़मीन में जो वो पड़े हुए हैं, जैसे हमें कहा जाता है कि नहीं वो तो ज़मीन में होते हैं, इनको उपलब्ध करा दें, क्या उससे हमारी पूर्ति हो जाएगी? और क्या जो मैंने इनसे टेस्ट करा कर आपको जो दिखाए हैं वो इस वीडियो का आधार था? मैंने जीवामृत टेस्ट कराया है, उसमें आपको पता है कितने एलिमेंट हैं। मैंने खाद विभिन्न प्रकार से टेस्ट कराया है, उसमें पता है कितने एलिमेंट हैं, लेकिन मेरे पौधों को उससे ज़्यादा चाहिए, तो मैं उसकी किस प्रकार पूर्ति करता हूँ, ये हमारा आधार है आज की चर्चा। अब तुषार भाई, मुझे एक बात बताइए, पहले तो ये pH और EC और ये चीज़ क्या होती है दो पौधों उस ज़मीन में? pH और EC ये होता है सर, सोइल या तो हमारी बॉडी या कोई भी एलिमेंट हो, पानी हो, सोइल हो या कोई भी तत्व हो, वो pH के ऊपर ज़्यादा मायने रखता है। अभी हम खेत की या सोइल की या मिट्टी की बात करते हैं, तो आइडियल pH जो है कि हम जितने भी फर्टिलाइज़र, माइक्रोन्यूट्रिएंट या गोबर दे रहे हैं उनमें अगर सोइल की आइडियल pH 6.5 टू 7.5 है, तो जितने भी एलिमेंट्स है या हम दे रहे हैं वो सब एलिमेंट्स प्लांट को अवेलेबल होते हैं 6.5 टू 7.5 के pH की बीच की pH ऊपर। हम जो एलिमेंट जानते हैं, मैं उसी की बात करता हूँ, हमने नाइट्रोजन, फॉस्फरस, पोटास, सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये जो मैक्रो और सेकेंडरी दो एलिमेंट है, ये दोनों एलिमेंट जब 6.5 और 7.5 की बीच की अगर सॉइल की pH है तो प्लांट उसको इजीली अपटेक कर लेगा और प्लांट के लिए वो इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। मगर 7.5 से थोड़े से ऊपर pH हो गई, यानी कि अल्कलाइन तरफ चली गई, या तो 6.5 से नीचे यानी कि एसिडिक pH की तरफ चली गई, तो वो एलिमेंट प्लांट इतना इजीली नहीं ले पाएंगे जो न्यूट्रल pH के आसपास की pH पर लेते हैं। उसी तरह से जितने भी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, वो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जिसको हम फेरस, मैंगनीज,
बोरोन के नाम से जानते हैं, ये माइक्रोन्यूट्रिएंट थोड़ी सी एसिडिक पीएच वाली जो सॉइल होती है, जो 6.5 से कम भी पीएच हुई, 5 से 6.5 तक की पीएच में, तो वो पीएच पर भी जो ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है वो अवेलेबल है प्लांट के लिए, प्लांट उसको इजीली अपटेक कर सकेगा। मगर अगर उस टाइम में सॉइल की पीएच 7.5 या तो हायर अल्कलाइन फॉर्म में है तो वो एलिमेंट इजीली प्लांट अपटेक नहीं कर पाएगा, तब वहाँ जाके कुछ प्रॉब्लम आएगी और वो जितने भी एलिमेंट्स हमने दिए हैं या तो पड़े हुए माइक्रोन्यूट्रिएंट्स वो वहीं के वहीं रह जाएंगे और प्लांट उसको इजीली नहीं ले पाएगा। इसी तरह से सर ने पूछा इसी का, तो इसी की भी एक वैल्यू होती है, जो वैल्यू है 1%, यानी इसी की वैल्यू सॉइल में 1% से कम है तो जो भी हम फर्टिलाइज़र दे रहे हैं, जो भी कार्बन है, जितने भी एलिमेंट्स है, वो प्लांट इजीली अपटेक कर पाएगा। अगर 1 से ज़्यादा है, यानी 1.5 है, 2 तक है, तो चलो मान लेते हैं कि उसके ऊपर भी प्लांट उस इसी की वैल्यू पर काम करेगा या तो उस इसी की वैल्यू पर जितने भी एलिमेंट है वो प्लांट ले पाएगा। मगर उससे ज़्यादा हो गई तो वो एलिमेंट्स वहीं के वहीं रह जाएंगे और प्लांट अपटेक नहीं कर पाएगा। तब हमको जाके पता चलता है कि प्लांट में कुछ खामियां है, और ऐसा जब लगने हुआ तो प्लांट स्ट्रेस में चलता है और उस स्ट्रेस कंडीशन में फिर बीमारियाँ भी आएंगी, निमेटोड आएंगे, फंगल आएगा, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा, कुछ ना कुछ होगा। अच्छा तुषार भाई, अब ये बताइए कि ये तो हो गया कि आपको शायद पीएच कितना होना चाहिए इसका समझ में आ गया होगा। अब हम ये पूछते हैं कि जिसका पीएच 7.5 से ज़्यादा है, मान लीजिए, एक तो ये बताइए हमारा पहला चीज़ कि पीएच कितने अधिक तक हमें ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए। 7.5 तो मान लिया आइडियल है, और अगर उससे ज़्यादा कितनी रेंज तक हुआ तो उसके लिए हम क्या करें, और अगर नीचे की तरफ हुआ तो अम्लीय हो जाएगा हमारा जो है पीएच जो है, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। अच्छा, किसान को अगर मान लीजिए हमारा न्यूट्रल पीएच है 7 और आइडियल पीएच सॉइल कंडीशन में है 6.5 से 7.5, अगर अल्कलाइन फॉर्म में चला जाता है यानी कि 7.5 से ऊपर 8, 9 या 10 की तरफ, तो 8, 8.5 तक तो चलता है कि कॉमन आ जाता है, वेदर प्लस माइनस होता है, बारिश होती है, पानी चलता है, बोरवेल का पानी, कुआ का पानी, तो वो प्लस माइनस रहता है। मगर ज़्यादा पीएच है और उसको कंट्रोल करना है तो उस कंडीशन में हम जिप्सम यूज़ कर सकते हैं। जिप्सम आप बार बार डालिए और तब जाके थोड़े साल के बाद, थोड़े महीने के बाद उसको हम रेंज में ले आ सकते हैं। और उसी तरह से अगर पीएच लो हो गया है, 7 से कम है, 6, 5, 4 की तरफ, और ज़्यादा कम हो चुका है, तो वहीं उस जगह पर हम चूना डाल सकते हैं और उस पीएच को हम मेंटेन कर सकते हैं। यानी दो ऑप्शन है हमारे पास, चूना है और दूसरा जिप्सम है। इनको अगर लगातार यूज़ करते रहेंगे जो भी पीएच की कंडीशन है उसके हिसाब से, तो हम उसको न्यूट्रल जोन में ला सकते। इसी प्रकार अब यहाँ पर मेरे से किसान 3 सवाल पूछेंगे। पहला सवाल वो पूछेंगे कि मेरा पीएच 7.5 है, मान लीजिए 7.5 से 8 तक है। एक पूछेगा जी मेरा पीएच 9 है, उसको कितनी जिप्सम की मात्रा डालनी चाहिए। एक तो जिसका नॉर्मल है क्या उसके लिए भी ज़रूरी है, या मात्रा वो कुछ कम करके डाल सकता है जिससे कि उसका पीएच न बढ़े। दूसरा एक वो है जिसका ज़्यादा है, वो कितना जिप्सम प्रति एकड़ डाले उसमें। अच्छा, उसमें जो हमने प्रैक्टिकल किए हुए हैं पिछले कुछ सालों में और हमने जो रिज़ल्ट दिया उसमें, हमने 1 बीघा से 1 एकड़ को अलग अलग एरिया में, सैंडी सॉइल में, चिकनी सॉइल में, काली सॉइल में, लाल सॉइल में, ये प्रैक्टिकल किया कि अगर हायर पीएच है 8, 8 से 9, 8.5, 7.5, तो उस कंडीशन में हमने प्रति एकड़ 500 किलो से लेकर 1 टन तक जिप्सम डाला हुआ है, सॉइल की कंडीशन के ऊपर, सॉइल के स्ट्रक्चर के ऊपर, और तब जाके उसको हमने उस जो रेंज है पीएच की, रेंज सोइल की, वहाँ तक कन्वर्ट किया हुआ है। कम तो अगर कोई किसी का पीएच ज़्यादा है तो आप ये बता सकते हैं कि इसको इतना क्वांटिटी में जिप्सम डाल सकते हैं, डालना चाहिए। हाँ। और जिसका नॉर्मल है 6.5 से 7.5 रहता है, हाँ, उसको भी सजेस्ट करते थे ताकि वो बढ़े ना। हाँ, और दूसरा जिनका 6.5 से कम है, हाँ, वो कितना चूना डाले, या जैसे मेरा नॉर्मल है 6.5 से 7.5 के बीच में है, तो क्या मैं चूना डालकर थोड़ा उसको कह सकता हूँ कि वो कभी भी, हाँ, वो भी वो रिपोर्ट के आधार पर हम उसको जजमेंट दे सकते हैं। तो रिपोर्ट के
तो किसान साथियों, जब आप मिट्टी टेस्ट कराते हैं तो आपके हाथ में एक मृदा कार्ड या किसी के रूप में कार्ड आ जाता है, तो आप उसे ध्यान में रखकर किसी अच्छे विशेषज्ञ से ये पता करें कि मुझे इसमें कितना जिप्सम या कितना चूना डालना चाहिए। दोनों को जिनका नॉर्मल है वो भी डाल सकते हैं, ताकि वो कम या ज़्यादा ना हो, लेकिन मात्रा कम रहेगी। जिनका ज़्यादा है एल्कलाइन क्षारीय ज़्यादा है, पीएच ज़्यादा है तो, और या उसका पीएच कम है अम्लीय है तो वो भी डाल सकते हैं, कि उनके लिए आप कभी भी उसे नॉर्मल ले आएंगे, ये आप पता कर सकते हैं। ये किसान साथियों, मिट्टी टेस्ट कराने का सबसे अधिक फ़ायदा मुझे क्या लगा, एक तो आपके पीएच को कंट्रोल करना, यानी कि चूने और जिप्सम की कितनी मात्रा आपको डालनी है ये बताएगा आपको। दूसरी चीज़ क्या होगी कि किस एलिमेंट की, मुझे एक जलेसर में मेरे किसान हैं डॉक्टर गौतम, उन्होंने मुझे बताया कि मेरी मिट्टी में पोटाश की ज़्यादा मात्रा है। इसका अर्थ ये हुआ कि जो हमारे रसोइये हैं जो काम करते हैं, हमें पोटाश की मात्रा बाहर से कम देनी पड़ेगी, क्योंकि वो उनको अवेलेबल करा देंगे, वो किसी तरह से कोई सी कारण से उसको उसने रसोइये ने छेड़ा ही नहीं, वो ऐसे ही रखी हुई है और वो उसको अवेलेबल कराएगा। तो ये ध्यान रखकर हम पोटाश की या फास्फोरस की मात्रा कम ज़्यादा कर सकते हैं, और नाइट्रोजन को हम कंपोस्ट से अगर अच्छा खाद बनाया तो। जो लोग गोबर को सिर्फ कुंडी पर डालते हैं, खत्ते पर डालते रहते हैं एक के बाद में, और वो कहते हैं मेरा 2 साल पुराना है, उस खाद की गुणवत्ता जो मेरे द्वारा बनाई हुई खाद है, जो कंपोस्ट का मेथड है, उससे बनाई हुई से लगभग 80% कम होगी, ये मेरा मानना है। आप चाहें तो इसे टेस्ट करा सकते हैं। तुषार भाई, मुझे ये बताइए, अब ये जो जीवाणु हैं, इसका अर्थ ये हुआ कि इनका काम आपके खेत में जीवाणु भी होने चाहिए, कि ये जरूरी। अगर हम एलिमेंट्स ही देते रहेंगे और जीवाणु कम होंगे तो वो पौधों को लग पाएंगे या नहीं लग पाएंगे? अगर हम सिर्फ एलिमेंट्स ही देते हैं, मान लो नाइट्रोजन, फास्फोरस, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, सब कर दिया, कोई भी केमिकल फॉर्म में या ऑर्गेनिक फॉर्म में जो भी दिया हमने, मगर वो उसकी भी एक कैपेसिटी है, जितने अवेलेबल फॉर्म में वो मिलेगा, वाटर सोल्यूबल होगा, वही प्लांट अपटेक करेगा, बाकी तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में वहीं पड़ा रहेगा। हमने मान लो 1 एकड़ में 2 बैग DAP डाल दिया, तो 2 बैग में जितना नाइट्रोजन और फास्फोरस है DAP में, वो पूरे का पूरा प्लांट को नहीं मिलने वाला, वो तो पड़ा ही रहेगा। मगर जब बैक्टीरियल पॉपुलेशन बढ़ता है, माइक्रोबियल एक्टिविटी बढ़ती है, बायोलॉजिकल एक्टिविटी प्लस होती है, तब जाके वो माइक्रोब्स उस जो अनअवेलेबल फॉर्म में पड़ा हुआ है कोई भी एलिमेंट्स, उसको अवेलेबल फॉर्म में करेगा, सोल्यूबल फॉर्म में करेगा, और जब तब वो एलिमेंट जाके पानी में घुलनशील बनेगा, डिजोल्व होगा, तब प्लांट उसको अपटेक कर पाएगा। अच्छा तुषार भाई, आजकल एक और नई प्रोडक्ट आ रहे हैं मार्केट में, या चर्चा चल रही है, इफ्को के भी प्रोडक्ट हैं, वो कहते हैं सोलेबल बैक्टीरियाज, जैसे कहते हैं फॉस्फोरस सोलेबल बैक्टीरिया, PSB, एक कहते हैं पोटास सोलेबल बैक्टीरिया, एक कहते हैं एजिटोबैक्टर, एसिटोबैक्टर। तो इनमें और जो हमारी जीवामृत में माइक्रोब्स हैं, उन दोनों में क्या अंतर है और ये क्या चीज है? माइक्रोब सर ऐसा है कि जो एलिमेंट्स पर्टिकुलर कोई फिक्स एलिमेंट से नाइट्रोजन के लिए, तो जो बैक्टीरिया नाइट्रोजन अनअवेलेबल फॉर्म में और उसको अवेलेबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है, उसको नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कहता है, क्योंकि वो बैक्टीरिया नाइट्रोजन का फिक्सिंग करता है सॉइल में, एनवायरनमेंट में से, और एनवायरनमेंट क्या हुआ, सॉइल हुआ, पानी हुआ, हवा हुआ, सब एनवायरनमेंट में आता है, वहाँ से जितना भी नाइट्रोजन मिला उसका फिक्सेशन करता है सॉइल में या तो प्लांट के रूट में, जो नोड्यूल्स बनते हैं ग्राउंड नट में उसमें। दूसरा आया आपका PSB बोला, इस तरह से पोटास मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया बोला, जिंक सोल्यूबलाइजर बोला। तो ये जो बैक्टीरिया है उसमें मैं एग्जांपल लेता हूँ PSB का, तो जो PSB का बैक्टीरिया है, मान लीजिए कोई बैसिलस स्पीसीस है या तो सीडोमोनास की स्पीसीस है, जो ऐसा फॉस्फोरस जो पानी सॉइल में कॉम्प्लेक्स फॉर्म में पड़ा हुआ है, पानी में घुल नहीं रहा, ऐसे फॉस्फोरस को जब वो सोल्यूबल करेगा, तब वो बैक्टीरिया का जो फंक्शन है, उसका फंक्शन है फॉस्फेट एलिमेंट को सोल्यूबल करना, इसीलिए उसको हम फॉस्फेट सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया करता है। अभी बैक्टीरिया वो एलिमेंट को खाएगा नहीं,
मगर उसकी बॉडी में से कुछ ऐसे एंजाइम्स, ऐसे मॉलिक्यूल्स रिलीज होंगे, कुछ एसिड रिलीज होंगे, कुछ ऑर्गेनिक एसिड रिलीज होंगे जो ग्रोथ प्रमोटर का भी काम करेंगे और ये जो अनअवेलेबल फॉर्म में कॉम्प्लेक्स फॉर्म है फॉस्फोरस का उसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ऐसा प्रिंसिपल सभी बैक्टीरिया रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स के लिए करेंगे। अच्छा, तो एक चीज़ और मेरे को आ रही है, जैसे हमें कहते हैं कि हम केमिकल फर्टिलाइज़र देते हैं, मैंने कई जगह पढ़ा है और कई वार्ताओं में भी सुना है कि जो हम नाइट्रोजन या DAP देते हैं इसका लगभग 30% भाग ही पौधा ले पाता है और 70% पड़ा रहता है। क्या मैं ये समझूं कि जो उस खाद में है ये 30% सोलेबल वाला होता है जिसे पौधा ग्रहण कर लेता है, हाँ। और जो 70% हुआ वो जो इनसोलेबल फॉर्म है वो पड़ा रहे, वो पड़ा रहे, और उसके लिए अगर हम उसमें सोलेबल बैक्टीरिया का घोल डालेंगे तो वो उस जो अनसोलेबल है वो पड़ा रहेगा और उसको पौधे को धीरे 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 प्लांट को उपलब्ध और आपकी जमीन की गुणवत्ता भी बढ़ जाएगी। मान लो हमने 100% यूरिया डाला है, हाँ। जो आपने बोला 100 किलो हमने नाइट्रोजन डाला है, हाँ। उनमें से सिर्फ उसका मतलब ये नहीं कि उसमें 30% ही नाइट्रोजन ऐसा है कि जो डिजोल हो सकता है, हाँ। उसमें से जितना भी डिजोल हो सकता है, डिजोल तो पूरा होगा, पानी में ही जाएगा, सॉइल में जाएगा, हाँ। मगर उसमें जितना प्लांट ने लिया उसकी कैपेसिटी के हिसाब से वो प्लांट ले पाएगा, बाकी सब एलिमेंट्स जा रहे तो अंदर अंदर केमिकल कुछ ऐसे रिएक्शन होंगे कि जो अनडिजोल्व फॉर्म में एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म में बन जाएगा और पड़ा रहेगा। जब हम बैक्टीरिया डालते हैं जीवामृत के फॉर्म में या तो जो बोतल में मार्केट में मिल रहे हैं उस फॉर्म में, तो वो बैक्टीरिया जब सॉइल में डालेंगे तब उसको वो अवेलेबल फॉर्म में कन्वर्ट करवाएगा। और ज़रूरी नहीं है कि जीवामृत डाल दिया तो सब काम हो जाएगा, मार्केट से बैक्टीरिया डाल दिए तो सब काम हो जाएगा, वो काम होगा नेचर के ऊपर, उसमें टेम्परेचर, सॉइल की pH, मॉइस्चर कितना है, बायोलॉजिकल एक्टिविटी कितनी है, केमिकल स्ट्रक्चर कैसा है, कितना एक्स्ट्रा है, उसके ऊपर डिपेंड है। ज़रूरी नहीं है कि ये फार्म में आपने एजोटोबैक्टर और PSP और जीवामृत डाल दिया और आपको रिजल्ट बहुत अच्छा मिला है तो उतना ही रिजल्ट आपको दूसरे फील्ड में मिलेगा, वहाँ पर कम भी मिल सकता है और इससे ज़्यादा भी मिल सकता है, उसके पीछे के बहुत सारे फैक्टर हैं। तो किसान साथियों, जितना भी खाद आप देते हैं वो जो केमिकल फर्टिलाइज़र है उसकी पूरी मात्रा नहीं मिल पाती, उसके कई कारण होते हैं। एक तो है कि आपका जो पौधा ले रहा है उसकी क्षमता कितनी है, उसने ले लिया, आपने ज़्यादा दिया, जैसे कि हम थाली में हमें खाना परोसा, जितना हमें खाना था खा लिया और बाकी छोड़ दिया, वो पड़ा रहता है, उससे आपकी ज़मीन में उस पदार्थ की और जो एसिड होते हैं उसकी मात्रा बढ़ती चली जाती है, इससे आपका जो ज़मीन है, जो मिट्टी है, उसका टेक्सचर, उसके जो उतार चढ़ाव हैं वो बढ़ते घटते रहते हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ कि साल में एक बार मिट्टी अवश्य टेस्ट कराएं और ये देखें कि मेरी ज़मीन में किस प्रकार के तत्व की अधिकता है और किसकी कमी है, उसी प्रकार से दें। लेकिन जो पड़े हुए, मान लीजिए आपकी एक्सेस आ गई उसमें पोटास, तो जब हम पोटास सोलेबल बैक्टीरिया डालेंगे तो वो काम करेंगे, वहाँ पर आपको पोटास कम देने की आवश्यकता होगी। अगर आप लगातार रूप में केमिकल फर्टिलाइज़र का काम करते हैं तो निश्चित रूप से आपकी ज़मीन के उतार चढ़ाव होंगे और फसल में रोग भी आएंगे। इसलिए एक मेरा जो विचार है, मेरा जो एक्सपीरियंस आया है कि आपको संतुलित खेती करनी चाहिए, उसके लिए कंपोस्ट बहुत ज़रूरी है, कंपोस्ट डालिए और कंपोस्ट के साथ में अपने खेत में जीवामृत भी कभी कभी डालिए। अगर आपके पास इतना समय नहीं है तो आप बना बनाया खाद लाइए कहीं से, लेकिन ये कुर्डी वाला जो खाली पड़ा हुआ था इसकी इतनी महत्ता नहीं है, एक बार कंपोस्ट ज़रूर बनाइए, बहुत अच्छा होगा। और अगर आपके पास जीवामृत बनाने का साधन नहीं है तो आप किसी सलाहकार से अपनी रिपोर्ट दिखाकर उसमें उसी तरह के बैक्टीरिया आजकल मिलने लगे हैं बाज़ार में, इफ़्को का बहुत बड़ा बाज़ार है और बहुत कंपनियाँ आ रही हैं, और इससे आपको आपकी खाद की जो मात्रा है वो कम होगी, वहाँ बचत होगी, आपकी फसल में रोग कम आएंगे, आपकी ज़मीन अच्छी होगी। तो किसान साथियों, ये थी आज हमारी चर्चा के तत्व क्या होते हैं, इनकी जो क्या क्या महत्वपूर्णता है, किसका क्या रोल। तुषार भाई ये बताइए कि एक किसान को मैंने कहा है आप बागवानी शुरू करने वाला कि आप खेत की मिट्टी टेस्ट कराइए, तो वो सैंपल किस प्रकार ले, ये बताइए। अच्छा,
अगर मान लो हमको बागवानी लगानी है, अभी लगी नहीं है और हमारा एक एकड़ का फार्म पड़ा हुआ है उसमें से करनी है, तो हमको ये तो मालूम है कि किस साइड में और किस दिशा में बागवानी लगानी है, कहाँ पर कौन से एरिया में बागवानी लगानी है। पहले तो वो एक एकड़ का जो एरिया है उसका जो बॉर्डर एरिया है चारों दिशा में, उस बॉर्डर एरिया का कुछ पोर्शन छोड़ दीजिए 5 से 10 फीट का। बाद में जो बीच का पोर्शन बड़ा है वहाँ पर चार्ट में दिखाया गया है उसके हिसाब से आप एक W और एक M स्ट्रक्चर बना दीजिए आपके हिसाब से, और वो जहाँ पर क्रॉस होता है W और M के स्ट्रक्चर में उस जगह पर से आपको सॉइल सैंपल लेना है। अभी लेना कहाँ से है और कितना अंदर, तो जो क्रॉस बने हुए हैं उस जगह से सैंपल लेना है, और दूसरा उस सॉइल सरफेस के सरफेस से 6 से 8 इंच अंदर से सॉइल सैंपल लेना है। मतलब जहाँ से आपको सैंपल लेना है वहाँ से 6 से 8 इंच खोदिए, वहाँ से आप 100 ग्राम 200 ग्राम मिट्टी निकालिए। ऐसे हर क्रॉस जो क्रॉस बने हुए चार्ट में दिखा है उस जगह से आपको लेना है सैंपल। फिर वो 8-10 सैंपल एक जगह पर इकट्ठा करिए, उसका एक चूरा बनाइए और प्रॉपर मिक्स करिए। प्रॉपर मिक्स इस तरह से करना है कि वो जो 8-10 जगह से सैंपल लिए हैं वो इक्वल मिक्स हो जाए, क्योंकि निचोड़ लेना है आपका पूरा खेत का, और वो निचोड़ में से आपको सैंपल उठाना है जो बारीक पाउडर बचता है बाद में। प्रॉपर 5-6 बार उसको मिक्स करने के बाद बड़े पार्टिकल को दूर कर दीजिए, जो छोटा पार्टिकल बारीक पाउडर बचा है उसमें से आप 60 से 70 ग्राम या मैक्सिमम 100 ग्राम तक उतना सैंपल लेकर एक पॉलीथीन बैग प्लास्टिक की बैग के अंदर एयरटाइट पैक कर कर उसको एज ए सैंपल आप भिजवा सकते हो जहां पर आपको सैंपल टेस्टिंग के लिए भेज। सर भाई मैं राहौरी में था तो वहां से मैंने एक सवाल किया था, तो उन्होंने भी मुझे बता दिया, मुझे बताइए कि मेरा बाग लगा हुआ है, उस बाग में जो पौधे के पास हैं, तो मुझे तो ये है कि भाई पौधे की कैनोपी के अंदर सब कुछ देते हैं, वहाँ महत्वपूर्ण होता है, जो कैनोपी से बाहर की जगह होती है उसकी क्या महत्ता है, और बाग लगाने के बाद, चूँकि हमने एक मैं संस्तुति करता हूँ कि आप हर वर्ष मिट्टी टेस्ट कराएं, तो क्या बाग में भी यही फार्मूला लगेगा या कोई दूसरा फार्मूला है मिट्टी लेने का, ये और बताइए। अच्छा, मान लो आपका बाग लग चुका है, एक साल का बाग है, एक एग्जाम्पल के तौर पर 2 साल 1 साल 5 साल जितने भी साल का, तो उसमें कहाँ से सैंपल लेना है, उसके दो तरीके। एक तरीका में उस जगह से सैंपल लेना है जहाँ पर हम फर्टिलाइज़र नहीं डाल रहे हैं, मतलब दो प्लांट के बीच में फर्टिलाइज़र नहीं डाल रहे हैं, 10 फीट के डिस्टेंस पर दो प्लांट है, तो वो दो प्लांट के बीच में 10 फीट का जो डिस्टेंस है उसके मिडल एरिया यानी 5 फीट का जो एरिया है दोनों साइड से, जहाँ तक जहाँ पर हमने कभी भी फर्टिलाइज़र नहीं डाला, एक ये जगह हुई। और दूसरी जगह कौन सी हुई, दो जो रो है प्लांट की, दो लाइनें हैं उनके बीच में जहाँ हम चलते हैं घूमते हैं, उस जगह पर कभी फर्टिलाइजर नहीं डाला। जो चार प्लांट हैं उनके बीच में जो चलने वाली जगह है वहाँ पर चार प्लांट को क्रॉस कर दें तो उसका मिडल पोर्शन हुआ, वहाँ पर हमने कभी फर्टिलाइजर अगर फर्टिलाइजर उस जगह पर हमने नहीं डाला, वो जगह वो हुई जो हमारा फार्म लगाया है उस फार्म में ओरिजिनल क्या वैल्यू है उस सॉइल में सब एलिमेंट्स की वो दिखाएगा। तो उस जगह से हमको पता चलेगा कि फार्म में सॉइल का स्ट्रक्चर क्या है और उसमें एलिमेंट्स कितने थे और हम क्या क्या डाल रहे हैं, एक ये पॉइंट हुआ जहाँ से हम ले सकते हैं। तो प्लॉट की या फार्म की ओरिजिनल जो जितने भी न्यूट्रिएंट्स है उसकी वैल्यू निकलेगी। दूसरा पोर्शन ये हुआ जहाँ पर हम कैनोपी के अंदर या कैनोपी के पोर्शन में जहाँ पर रूट होते हैं वहाँ पर हम फर्टिलाइज़र डालते हैं, वो हर साल साल में 1 बार 2 बार 3 बार हमारे शेड्यूल के हिसाब से हम डालते हैं। वहाँ पर जो हमने डाले हुए हैं वो फर्टिलाइज़र वहाँ पर से हमने अगर सैंपल लिया और उसका एनालिसिस किया तो उसका भी एनालिसिस कर सकते हैं, मगर दोनों में डिफरेंस क्या आएगा, पहला जो मैंने बताया जिस जगह से हमने सैंपल लेना है उस जगह पर सॉइल की एक्चुअल वैल्यू आएगी, और जो कैनोपी वाला एरिया है जहाँ पर हम फर्टिलाइज़र डालते हैं खाद डालते हैं वहाँ से अगर सैंपल लिया तो हमने पिछले जितने भी साल में वहाँ पर जो भी फर्टिलाइज़र डाले हैं उसके हिसाब से उसकी वैल्यू आएगी, मतलब उस जगह पर बाकी ज़मीन से वैल्यू ज़्यादा आएगी, न्यूट्रिएंट्स की वैल्यू ज़्यादा आएगी।
इस तरह से हम दो जगह से, दो अलग अलग जगह से वैल्यू चेक कर सकते हैं। अच्छा, तो हम दो सैंपल भेजेंगे, दो सैंपल भेज सकते हैं। तो भाई फिर आपकी कॉस्ट भी डबल होगी उसकी। कॉस्ट दो सैंपल है तो कोई भी लैब में आप भेजेंगे तो उसकी कॉस्ट तो दो सैंपल है तो डबल होने वाली है, मगर उससे ये आइडिया एक बार तो पता चल जाएगा कि ओरिजिनल वैल्यू क्या थी सॉइल की, हम जो डाल रहे हैं वो ज़्यादा डाल रहे हैं या कम डाल रहे हैं या तो उसी हिसाब से डाल रहे हैं, वो एक ही बात के। जरूरी नहीं है आप दो सैंपल हर जगह करवाएं, एक ही कर लीजिए। हाँ, कभी चार साल में एक बार कर लीजिए, और एक बार तो हमको पता चल गया कि जहाँ पर फर्टिलाइजर नहीं डाला वहाँ की तो यही रिपोर्ट है। फिर आपको अगर करना है तो जिस जगह पर फर्टिलाइजर डाल रहे हैं उस जगह की करिए, क्योंकि तब पता चलेगा कि इतना फर्टिलाइजर डालने से इतना प्रोडक्शन मिला है या तो इतना लॉस हुआ है, तो उसको बैलेंस किस तरह से करें और किस वैल्यू में डालें, वो आपको एक्चुअल वैल्यू वहाँ से मिल जाएगी। तो किसान साथियों, जो बागवानी करने वाले किसान हैं और ये जो मिट्टी टेस्ट की सुविधा है ये लगभग सभी डिस्ट्रिक्ट में अधिकतर सरकार ने की हुई है, इसको आप वहाँ पर करा सकते हैं। कुछ किसान भाइयों ने मुझे ये बताया था कि वो माइक्रो न्यूट्रेंट की टेस्टिंग नहीं करते, उसके लिए आप देख सकते हैं कि आपको क्या करना है। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप तुषार भाई के पास ही भेजें उसको, आप जहाँ इच्छा हो वहाँ कराइए। तुषार भाई, एक और समस्या है, जैसे पौधों में निमाटोड आता है तो आप कहते हैं फंगस भी टेस्ट, मैंने कुछ लोगों को कहा है मिट्टी की फंगस टेस्ट कराइए, तो जो बाग लगाने जा रहे हैं जो मिट्टी आ गई उससे तो फंगस का पता चल जाएगा, लेकिन जो हमारे बाग लग चुके हैं उसमें हम पौधों की जड़ों के पास से मिट्टी लेकर फंगस टेस्ट कराएं या फिर बीच वाली से कराएं? जहाँ अगर प्लांट में, जिस बाग में प्लांट लग चुके हैं उसका भी एक साल से लेकर 10 साल का प्लांट, कोई भी उम्र का प्लांट है, और वो प्लांट डैमेज हो रहा है और हमको लगेगा इसमें निमाटोड या तो फंगस है, अगर निमाटोड है तो फंगस कंपलसरी है, फंगस है तो निमाटोड है नहीं है वो नहीं कह सकते, मगर जहाँ पर निमाटोड है वहाँ 100% फंगस है, क्योंकि शुगर रिलीज हो जाएगी, फंगस आने वाली है। अगर कहाँ से सैंपल टेस्ट करना है तो उसके लिए क्या करना है, पहले तो ये आइडेंटिफाई करिए कौन सा प्लांट डैमेज हो रहा है, क्योंकि वहाँ पर फंगस होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। जहाँ से प्लांट डैमेज हो रहा है उस प्लांट के रूट लेने हैं, जहाँ जिस ब्रांच, जो भी ब्रांच आपकी डैमेज हो रही है उस ब्रांच के नीचे से रूट लीजिए, या तो पूरा प्लांट डैमेज हो रहा है तो पूरे प्लांट की कैनोपी के नीचे जो भी रूट सैंपल है उस रूट में आप एनालिसिस करिए कि रूट सड़ रहा है, रूट में गलन हो रही है, रूट का कलर ब्लैक ज़्यादा हो चुका है, ऊपर की स्किन निकल रही है, ऐसा अगर आपको कुछ लगा, नए वाइट रूट नहीं निकल रहे, ऐसे आपको कुछ अनुमान लगे या ऐसा एनालिसिस लगा तो उस रूट को लेना है, और उसी रूट में फंगस आई कहाँ से, तो सॉइल में से आई है, तो उस ये जो रूट का स्ट्रक्चर है उस रूट के स्ट्रक्चर के आजू बाजू 1-2 इंच की मिट्टी भी ले सकते हैं, अगर रूट बड़ा है तो उसके ऊपर मिट्टी चिपकी हुई होगी तो आप ध्यान से उसको हटाइए, ध्यान से मिट्टी और रूट को कट करिए रूट को, और बाद में उस सैंपल को मार्क करके आप भेज सकते हो। ऐसे सिम्टम्स वाले 4 से 5 प्लांट सिलेक्ट करिए अलग अलग एरिया में से आपके प्लांट के फार्म के, और वो 4-5 प्लांट है उसके सैंपल को इकट्ठा करके फिर आप उसके सैंपल। साथियों, मैंने आपको आज ये बताया कि माइक्रोब्स या जीवाणु, उनका क्या रोल है, क्या महत्वपूर्ण है, कितने महत्वपूर्ण है वो, एलिमेंट्स की पूर्ति आप किस प्रकार करेंगे, बाग लगाने से पहले मिट्टी टेस्ट का क्या महत्व है, उसको किस प्रकार कंट्रोल करेंगे, ये सब चीज़ें मैंने बताने की कोशिश करी है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने अपने विचार मुझे लिखकर भेज सकते हैं। एक अंतिम बात तुषार भाई, जो किसान भाई अगर ये कहेंगे कि ये हमने अमेजिंग किसान से भेजा था या हमें त्यागी जी, क्या आपको कुछ उनको डिस्काउंट देंगे? 100% देंगे सर, अगर कोई नहीं 100% डिस्काउंट तो नहीं दे सकते। नहीं नहीं 100% डिस्काउंट दे सकते हैं, 100% डिस्काउंट नहीं दूंगा, मगर अगर अमेजिंग किसान के नाम से अगर कोई फार्मर आ रहा है तो उसको श्योर मैं डिस्काउंट दूंगा कि भाई आपका सैंपल आ रहा है तो मैं उसमें डिस्काउंट देने का पूरा चांसेस है, उसमें कोई गलत बात नहीं है और देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसान साथियों, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, आप इतना खर्चा करते हैं, हो सकता है आप कोई चीज़ अधिक दे रहे हो, कोई चीज़ जो ज़रूरी है वो कम दे रहे हो, बाग लगाने से पहले अपने खेत में मिट्टी और फंगस का टेस्ट अवश्य कराएं, आप कहीं भी कराएं, ये दो फंगस जो भी जितनी भी फंगस है उसका टेस्ट कराएं, आप यहाँ भी करा सकते हैं, आप कहीं भी कराएं इसका टेस्ट। और दूसरी चीज़ ये है कि प्रति वर्ष आप अपने खेत का जरूर कराएं,
अल्टरनेट करा सकते हैं, एक साल आप पौधों के बीच का कराइए, एक साल कैनोपी के बीच की करा लीजिए, उससे आपको बहुत फ़ायदा ही फायदा होगा, उससे कमी नहीं होगी इसके लिए। तो तुषार भाई, एक बार किसान भाइयों को अपना एड्रेस पूरा बता दीजिए और अपना फ़ोन नंबर के कोई कुछ क्वारी हो अच्छा। किसी की वो पूछना शुरू करें। मैं आपको मेरा फ़ोन नंबर देता हूँ और मेरा जो एड्रेस है उसमें आप सिर्फ मुझे फ़ोन करिए, मैं आपको मैसेज कर दूंगा। मैकधनुष बायो फर्टिलाइज़र अहमदाबाद से मैं बिलोंग करता हूँ, तो आप मैकधनुष बायो फर्टिलाइज़र और मेरा नंबर है 9099229065, इस नंबर पर आप मैसेज कर दीजिए, मैं आपको पूरा मेरा एड्रेस सेंड कर दूंगा और उस एड्रेस पर आप जो बात बताई गई अगर आप भेजना चाहे तो मोस्ट वेलकम है। या तो आपके डिस्ट्रिक्ट में भी आप एनालिसिस करवा सकते हो, जहाँ पर भी है, नहीं है आपको पता नहीं है तो मुझे सैंपल भेजिए, जितना भी मैंने बोला वॉल्यूम उसी वॉल्यूम में एक प्लास्टिक की बैग में पैक करके और उसको एक पार्सल बना दीजिए और पार्सल में एड्रेस जहाँ पर आपको भेजना है वो और आपका नाम पता और उस बॉक्स के अंदर पार्सल के अंदर आपका पूरा डिटेल होना चाहिए कि ये फार्म है, ये फार्म का नाम है या तो सर्वे नंबर है, जो भी है ये लिखकर उस बॉक्स के अंदर डाल दीजिए और मुझे कोई भी कुरियर या तो डाक पार्सल से स्पीड पोस्ट से आप भेज सकते हो। तो किसान साथियों, चर्चा थोड़ी वीडियो लंबी हो गई, तो ये थी हमारी एलिमेंट्स पर और मिट्टी टेस्टिंग पर वीडियो। इसी के साथ हम तुषार भाई का धन्यवाद करते हैं और विदा लेते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।